नमस्कार, आवाज की दुनिया के दोस्तों का सुर बहार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने फिल्मी 100 साला सफरनामे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस वर्सेटाइल सिंगर की, जो पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर भी थे और जिन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए और तकरीबन 5000 से भी ज्यादा गाना गाए। हर जुबान में गाए, सिंधी में गाए, पंजाबी में गाए, गुजराती में गाए और इस तरह वो हर दिल अजीज रहे। दोस्तों, हम जब उसके गीत सुनते थे तो पाकिस्तान में कराची जैसे पान में इलायची, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया और बंदर रोड से केमाड़ी, ये हम भी गुनगुनाते थे। उसके बाद तो उन्होंने इतने गाने गाए कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ही पॉपुलर रहे। दोस्तों, अहमद रुश्दी साहब की हम बात कर रहे हैं। अहमद रुश्दी साहब का जन्म हैदराबाद दक्कन, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उसमें हुआ। उसका फैमिली एक मजहब परस्त फैमिली था और जब पाकिस्तान बना तो फिर वो वहाँ माइग्रेट हो गए और वहाँ जाकर उन्होंने लॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, देखते हैं पहले से थोड़े से उनकी फिल्मों की क्लिपिंग। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान में कराची जैसे पान में इलाची, सुन लो गाना गाड़ी बान का। पाकिस्तान में कराची जैसे पान में इलाची, सुन लो गाना गाड़ी बान का। तुम लंगूर की बंदर रोड, बड़ी ही मस्त पलंदर रोड, ये दो बहनों की बड़ी आपा, जो फिरियर रोड है और मतलोड है सबका टावर से नाता, थ्री डाटर है मन पापा, सुन लो गाना गाड़ी बान का। पाकिस्तान में कराची जैसे पान में इलाची, सुन लो गाना गाड़ी बान का। घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर, ये आया रेडियो पाकिस्तान है, गोया खबरों की दुकान, ये रेडियो पाकिस्तान कराची में मीडियम रेट के अलावा शांति से आज दो लाहौर में कर रहा हूँ पाकिस्तान, सुनिए पहले अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में। ये आया रेडियो पाकिस्तान है, गोया खबरों की दुकान, ये गुम्बद को पहचान कहीं मस्जिद का हो न गुमान, ये होता है दर्से कुरान कभी गुमशुदगी का ऐलान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, यहाँ होते हैं गुंडू खान, यहाँ दरबारी और कल्याण, यहीं से कोई तमंचा जान सुनाए गीत गजल की तान, मगर हम कूढ़ों के ये कान करें लहसुन की क्या पहचान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। गवैया शायर मूर्तिकार है सबका नाम यहाँ फनकार, मुलाजिम सब ना पाएदार मगर बरसों के वजीफा खान, यह है फन का जूना बाजार, कसब का होता है व्यापार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हमीराती भी एक्टर भी गुनी भी मस्त कलंदर भी, हमीराती भी एक्टर भी गुनी भी मस्त कलंदर भी, यहाँ है न्यूज रीडर भी शकील अहमद भी अनवर भी, यही का आर्टिस्ट बनता जो होता राजा इंदर भी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बड़ा
सोहेल आया। चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना। चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना। सूखी सूखी खाकर भैया लंबी टाल के सोना। रे भैया लंबी टाल के सोना। अरे आना लंबे आना गोल गप्पे खाना। मम्मी का बुलाना मैं जान का भी लाना। आदि खाता जो खाएगा कल भी खाने आएगा। तब बोलताओ आदि खाता जो खाएगा कल भी खाने आएगा। गोल गप्पे वाला इसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो। इसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो। खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। इसी चमन में रहो तुम। ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको को रीना, कोको को रीना, कोको को रीना, कोको को रीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग दोस्तों अहमद रुश्दी साहब के ये थोड़े से पुराने गानों के आपने जो क्लिपिंग देखे तो आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों अहमद रुश्दी साहब को अपनी इस खिदमत के कारण बहुत सारे पॉपुलर अवार्ड भी मिले, जैसे निगार अवार्ड भी मिला और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद उसकी वफात के बाद 2003 में उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सितारा इम्तियाज के अवार्ड से भी नवाजा गया। और दोस्तों कराची शहर के एक बहुत ही पोश जो एरिया है गुलशन इकबाल, उसमें एक गली का नाम भी, एक स्ट्रीट का नाम भी उनके नाम से दिया गया। अहमद रुश्दी साहब को उनके चाहकों ने बहुत चाहा और आज भी सभी लोग अहमद रुश्दी के गीत गा रहे हैं। दोस्तों आइए हम चलते हैं एक ऐसे लाइव शो में जहां पर आज के नौजवान फनकार एक गीत गा रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहा। हाँ, इसी मोड़ पे इस जगह बैठकर।
तो आइए सुनते हैं वो एक मशहूर गीत। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर ना जाओगे हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे दोस्तों। अहमद रुश्दी साहब का जन्म जो है 24 अप्रैल 1934 को हुआ था और उसी महीने में 11 अप्रैल 1983 को वो इस दुनिया को अलविदा कह के भी चले गए। जब वो गए तब वो सिर्फ 48 साल की उम्र के थे, यानी कि बहुत अभी तो नौजवानी थी उसके कला की, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने इस लंबे से सफ़र को इतनी कामयाबी से तय किया कि आज भी हर जगह जहां भी हम जाते हैं तो लोग अहमद रुश्दी को याद कर रहे हैं। दोस्तों सुर बहार की ओर से हम भी अहमद रुश्दी साहब को और उनके चाहने वालों को लाख लाख सलाम करते हैं। दोस्तों ऐसे सितारे हमारे बीच में बार बार नहीं आते हैं और जो आते हैं उनको हमें अपने दिलों में जगह इस तरह से देनी है जैसे आने वाली
जो जनरेशन है उसको भी एक अच्छी सी विरासत मिले। दोस्तों, ये सुर बहार का प्रोग्राम हम इसीलिए चलाते हैं कि लोगों तक अपने कलाकारों के बारे में जानकारी रहे, वो जिंदा रहे और वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सुने जाए। दोस्तों, आज तो बस इतना ही। चलते चलते हम आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रहे हैं जो अहमद रुश्दी साहब ने जब पॉप म्यूजिक शुरू किया तब भी पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है और शायद हमेशा जवां गीतों में उनकी एक जगह है। जी हाँ, कोको कोरीना। तो आइए सुनते हैं, बहुत मजा आएगी। गुनगुनाइए साथ में और इंजॉय कीजिए। अंबाजी को आज बस इतना ही, आप इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में कोई नए फनकार के साथ, कोई नई सोच के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। Everyone, hands in the air. A round of applause for Mr. Sohail, Rana. Mere khayalon pe chhai, ek surat matwali thi, nazuk si sharmili thi, masoom si boli wali thi, rehti hai wo dur kahin. पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों में चाई एक सूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी बोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, Kokorina, Kokorina, Corina, 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 Cor
क्या मरना